Hello everyone, in today's video I'll be explaining you about NDMC versus Satish Chand AIR 2003 Supreme Court 3137. This is the judgment's name. अब हम इस जजमेंट के थोड़े लीगल implications पे बात करते हैं. यहाँ पे बताया हुआ है द jurisdiction exercised by सिविल कोर्ट, जो jurisdiction है जो सिविल कोर्ट एक्सरसाइज करती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित है या फिर कहाँ तक लिमिटेड है वो बताया गया है. Authority is not completed with statute. Authorities can't follow judicial procedure. अब जहाँ पर किसी एक्ट से रिलेटेड, किसी एक्शन से रिलेटेड आपको एक्ट लेजिस्लेचर ने कोई मेंशनड नहीं है, कोई स्टेट्यूट या कोई इनैक्टमेंट मेंशनड नहीं है, वहाँ पे सीपीसी लगेगा. अदरवाइज़ अगर जैसे कि यहाँ पे एमसी बोर्ड का केस है, एमसी बोर्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ फाइनैलिटी बाय लेजिस्लेचर टू द अथॉरिटी कंसिस्ट्स अंडर द एक्ट इवन एरोनियस डिसीजन नो जुरिसडिक्शन विल बी अप्लाइड ऑफ सिविल कोर्ट. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सिविल कोर्ट्स जो हैं उनका उनका रोल कहीं पर भी नहीं आता, उनका रोल जुरिसडिक्शन में नहीं आएगा अगर अगर कोई स्टेट्यूट और अगर कोई लेजिस्लेचर ने इनैक्टमेंट पहले से ही पास कर रखा है. जो अगर इनैक्टमेंट कोई स्टेट्यूट पास किया हुआ है रिलेटेड टू सम लॉ, ठीक है, रिलेटेड टू सम एक्शंस, तो उस केस में वही इनैक्टमेंट वही स्टेट्यूट जो है वही चलेगा. तो यहाँ पे यही है दैट सतीश जो है उसके पास प्रॉपर्टी होती है. फैक्ट्स पे आ गए हम लोग. तो सतीश चंद जो है उनके पास प्रॉपर्टी होती है दिल्ली में, और जो प्रॉपर्टी है उसका जो बेसमेंट होता है उसमें सब सॉइल एंड वाटर भरा हुआ होता है, तो इसी कारण वो लैंड यूज़ में ही नहीं होता सतीश चंद के. और ये जो प्रॉपर्टी है वो पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट के अंडर आती है. तो नोटिस भेजा जाता है, एमसी बोर्ड जो है वो नोटिस भेजता है सतीश चंद को कि आपको अराउंड ऑफ 4,293 रुपीज़ जो हैं वो आपको पे करने होंगे एज अ टैक्स. तो सतीश जी एक्चुअली क्या करते हैं, फिर फाइल कर देते हैं केस, ठीक है, ही डायरेक्टली फाइल्स द केस इन ट्रायल कोर्ट. एमसी बोर्ड फिर रेज करते हैं ऑब्जेक्शन, जिसके कारण क्या होता है, ट्रायल कोर्ट कन्फर्म कर देता है ऑब्जेक्शन एंड जो सूट होती है वो डिसमिस हो जाती है, ठीक है. उसके बाद डिसीजन होता है एडिशनल, अब हम डिसीजन की बात करें डिस्ट्रिक्ट जज की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की, तो वो जो अपील है वो आगे लेके जाई जाती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जो कि अलाउ कर दी जाती है. देन हाई कोर्ट जो है वो डिसमिस कर देता है अपील, ठीक है, बाय म्यूनिसिपल और एमसी बोर्ड, ठीक है. उसके बाद आता है लीगल इश्यूज़. अब जो लीगल इश्यूज़ होते हैं वो क्या हैं, वो मेजर इश्यूज़ यही थे कि सेक्शन 84 और जो 86 है एमसी एक्ट का, ठीक है, इट बार्स द जुरिसडिक्शन. यहाँ पे एक्सप्रेसली बार किया गया है जुरिसडिक्शन. वेदर सिविल कोर्ट हैव द जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी. अब ये दो क्वेरीज आ रही हैं कि सेक्शन 84 और 86 एमसी एक्ट का वो कंसीडर किया जाएगा, उसका जुरिसडिक्शन फॉलो होगा या फिर सीपीसी का फॉलो होगा. तो रेशियो डिसेंडाई की बात करें हम तो